बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, जिसमें हम सबसे पहले अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस देखेंगे कि वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन साइकिल कंप्लीट करता है। सबसे पहले अमीबा का फर्स्ट स्टेज ऑफ होता है इंजेशन, जिसमें अमीबा अगर इसको कोई फूड पार्टिकल्स उसके पास उसे दिखता है तो वो अपने तरह से चारों तरफ से उसे घेरता है और उसे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपने अंदर इनकल्फ करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडो फैगोसाइटोसिस, यानी कि अपने अंदर लेने का प्रोसेस है, जिसमें फूड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। और एक सेकेंड स्टेज आता है जब इसे वो उस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ये फूड पार्टिकल्स का डिसोसिएशन शुरू होता है, छोटे छोटे, और उसको सिंप्लीफाई वे में करना, इसे एब्जॉर्प्शन। वो अपने जो भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट, उसके लाइफ साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर एसिमिलेशन एक फोर्थ स्टेज आता है, जिसमें वो अपने उस एलिमेंट्स का यूज करके वो अपने साइज को ग्रो करता है, यहाँ ग्रोथ होती है अमीबा के साइज में। और फिफ्थ स्टेज है इजेशन, जो बचे हुए जो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके बाद जो बचते हैं डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, उसे वो फिर से वापस एक्सोफैगोसाइटोसिस के थ्रू उसको वो एक्सक्रीट कर देता है, तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब एनिमल न्यूट्रिशन में जब हम देखेंगे तो टीथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दांत से ही हम कोई भी फूड पार्टिकल को च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसे स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हैं। टीथ का जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसे तीन भागों में बांटा जाता है, क्राउन, नेक और रूट। टीथ का ऊपर और इनामिल जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट्स है ये दांतों का, और बहुत प्रोटेक्ट करता है हमारे दांतों को। उसके बाद का पोर्शन है नेक और रूट, ये क्राउन और नेक को कवर्ड किया जाता है, ये डेंटाइन का पोर्शन, इसे डेंटाइन कहते हैं, जो इसे कवर्ड किए हुए रहता है। उसके बाद रूट में पल्प होते हैं और वहां से रूट नर्व्स हमारे पूरे ये नीचे आते हैं, जो ये गम से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है दांत। इस तरह से हम देखते हैं कि एक सिंपल फॉर्म है दांतों का, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं और आराम से इसको फर्दर समझ सकते हैं। बाकी इसका फॉर्मूला होता है I2/2, C1/1, PM2/2 and M3/3, यानी इंसीजर 2/2, आगे के दो दांत इंसीजर, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, एंड मोलर 3/3। अब जब हम डिटेल में अभी लास्ट, जैसे कि हम अभी समझे न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा या दांत, अब हम डाइजेशन का जब देखेंगे तो हमें वहां समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्लैंड डाइजेशन में कौन सा रोल प्ले करता है और क्या सिक्रेट करता है। क्योंकि जब हम इसको लिए डिटेल में, जैसे हम किसी एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम्स को सिक्रेट करता है और यह स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। दूसरा ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो HCl, पेप्सिन, म्यूकस एंड रेनिन को सिक्रेट करता है। इसका जो जितना रोल है उसे मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ और फिर मैं उसे डिटेल में, सिंप्लीफाई वे में कैसे याद रखना है उसे मैं बताऊंगी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और रेनिन, जो कैसीन ऑफ मिल्क को पारा कैसीन में कन्वर्ट करता है, यानी कि यहाँ डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। दूसरा एक ग्लैंड लिवर, जो ड्यूडेनम का पोर्शन है। अब ड्यूडेनम क्या है?
ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन तीन भागों में बटे रहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम्स। ऊपरी हिस्से को हम ड्यूडेनम कहते हैं, जहां लीवर का बाइल सिक्रीट होता है। उसके बाद ही बगल में पेंक्रियाज होता है, वो भी ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तीन तरह के एंजाइम्स को। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम और जेजुनम दोनों में इसका सिक्रेशन होता है, वो एंजाइम्स है माल्टोज, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज एंड इरेप्शन। माल्टोज, माल्टोज को जो यहाँ माल्टोज बनता है इसका सिक्रेशन होता है, और सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, लैक्टेज लैक्टिक एसिड वगैरह से ग्लूकोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, और इरेप्शन जहाँ पेप्टोन जो ये यहाँ बनता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को, यहाँ पर वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे जहाँ जो हमारे लुब्रिकेशन ऑफ फीकस, ये यहाँ पर ये रोल करता है, उसका ये होता है, और ये यहाँ पर एनस से फीकस को, स्टूल को बाहर करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड और सिक्रेशंस है ये न्यूट्रिशन में, एनिमल न्यूट्रिशन में। इसे और भी अच्छे से याद करने लायक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा सिस्टम बताऊंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बायोलॉजी के सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन में मैं आज आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाऊंगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउस से लेकर के एनस तक की, उसकी लंबाई 9 मीटर की होती है। और अगर हम देखते हैं कि ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, तो मेन जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो एक सलाइवरी ग्लैंड, एक पेंक्रियास और लीवर, ये तीन के बारे में अगर हम अच्छे से समझ लें और उससे निकलने वाले एंजाइम्स को हम अच्छे से याद कर ले या समझ ले, तो हमें ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही इजी हो जाता है। अब ह्यूमन डाइजेशन में हमें चार तरह के एंजाइम्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है एमाइलेज, जो कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और लाइपेज लिपिड का यानी फैट का डाइजेशन करते हैं। तो ये चार, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये चार तरह के एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में फंक्शन, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही डाइजेशन का पूरा ये प्रोसेस करते हैं। अब हम बच्चों ये ध्यान दो इसके डाइजेस्टिव के ट्रैक पे, का दिख रहा है आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, माउथ, हमारा मुंह। यहाँ जब भी हम कुछ खाते हैं, कोई भी चीज, तो हमें यहाँ पर, आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टीथ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स और उसका, वो अभी यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ। यहाँ जब हम दांतों से उसे टुकड़ों में काटते हैं, छोटे टुकड़ों में चबाते हैं, तो चबाने के साथ ही साथ एक आप महसूस करोगे कि कुछ सीक्रेट हो रहा है हमारे जीभ के नीचे, टंग के नीचे से कुछ सीक्रेट हो रहा है, वाटर और कुछ मीठा मीठा, अगर हम रोटी खाते हैं तो मीठा लगता है, वो एक सलाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज एक एंजाइम सीक्रेट होता है। एमाइलेज का क्या रोल है, एमाइलेज का रोल है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना, यानी कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया, हम जब भी खाते हैं तो मुंह से ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, स्टार्च में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है खाना। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाते हैं, हम तो प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी होता है, उसका क्या होता है, उसका यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम खाना छोटे टुकड़ों में हो गया, तो वो एक लुद्दी जैसा, एक मैस्ट किया हुआ छोटे छोटे पार्टिकल जैसा खाना, हम उसको ढकेलते हैं ऑसोफेगस, एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे हम उसे नीचे, यहाँ फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स से जहां से हम आवाज निकालते हैं, लैरिंग्स और फैरिंग्स, इससे नीचे हम उसको पुश करते हैं, और जब वो पुश होता है तो ऑसोफेगस
अब वो ऐसे ऑटोमेटिकली तो सीधे नहीं चला जाएगा पेट के अंदर, उसके लिए ऑसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां का मसल्स जो इस तरह का मसल्स को पुश आउट इन पुश आउट पुश इन करके उसको नीचे की तरफ वो लगातार उसको पुश करते हुए स्टोमेक में पहुंचा देता है, इस तरह के मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसे दबाया, फिर थोड़ा और दबाया, फिर ऐसे दबाया और नीचे जाते जाकर के वो स्टोमक में पहुंच जाता है। अब खाना ये स्टोमक में पहुंच गया, ये ऐसे करके यहाँ टुकड़ों में है, लेकिन ये डाइजेशन अभी यहाँ शुरू नहीं हुआ। यहाँ कब शुरू होता है? अब यहाँ एक स्टोमक HCl को सिक्रेट करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl का क्या रोल होता है? पहला, ये HCl आपको पता है ये बच्चों, ये एसिडिक नेचर होते हैं और एसिड का रोल होता है जो खाने के साथ जो मैंने बैक्टीरिया को भी गल्प कर लिया अपने अंदर, उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर को भी हार्म कर सकता है। अब ये HCl का तो काम है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ये सिर्फ बैक्टीरिया को पर तो एक्ट नहीं करेगा, ये हमारे स्टोमेक पर भी एक्ट करना शुरू करता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा यहाँ म्यूकस भी एक लेयर सिक्रेट होता है। ये म्यूकस इसके स्टोमेक के वॉल पे चारों तरफ से ऐसे लेयर बना देते हैं, जैसे कि एक कवर जैसा, जैसे कि आप पानी से बचने के लिए प्लास्टिक के कवर्स होते हैं ना, उसी तरह कि यहाँ पर अगर हम HCl वर्क भी कर रहा है, खाने पर एक्ट हो रहा है, उसके साथ वो मिक्सअप हो रहा है, तो उसका असर हमारे स्टोमेक के, अब स्टोमेक के वॉल पर अगर HCl का एक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अल्सर हो जाता है, जल जाते हैं वहां के से। और एक पेप्सिन, ये भी सिक्रेट होता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन करता है। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पर जो स्टार्च हुआ, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ, तो यहाँ तक प्रोटीन और लिपिड दोनों एक साथ आते गए और सबसे पहले यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया। अब ये छोटे टुकड़े में हो गए, अब ये यहाँ से जब ये और भी छोटे टुकड़ों में हो गए तो यहाँ से वो निकलते हैं स्फिंक्टर वॉल, एक यहाँ एक वॉल होता है स्फिंक्टर मसल्स का वॉल, जो कि इसको अंदर खुल करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है खाने को। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तभी लीवर बाइल सिक्रीट करता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ है इसका, क्या, तो हमारा जो खाना अब यहाँ पर है वो एसिडिक हो चुका है, अब ये एसिडिक खाना अंदर अंदर जाएगा तो उसको तो न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो वो फिर वो एक्शन, उसका डाइजेसिव प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाइल सिक्रीट होता है, ये बाइल अल्कलाइन नेचर का होता है, तो आप तो जानते हैं एसिड और अल्कलाइन अगर मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज एक दूसरे को कर देंगे, तो यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज हो गया। साथ में इसका जो बाइल डेप्थ, यहाँ पर जो अल्कलाइन में जो बाइल है, उसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों, कि यहाँ वो क्या करता है, जो हमारे खाने में मौजूद फैट है ना, लिपिड, उसको भी छोटे टुकड़ों में बांटता है, उसे भी इमल्सिफाइड करता है, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको और सिंपल फॉर्म में लाता है। अब यहाँ पर पेंक्रियाज का रोल आ जाता है, एक पेंक्रियाज जो यहाँ पर लीफ की तरह आप देख रहे हैं ना, स्टोमेक के सीक नीचे में एक पैलर जैसा लीफ जैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, लाइपेज, सॉरी एल, यहाँ एल होगा, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीन तरह का एंजाइम्स यहाँ पर ये सिक्रेट होता है। एमाइलेज का है कि जो बचा हुआ स्टार्च है उसको और इमल्स और सिंप्लीफाई करे, और ज्यादा उसको तोड़े, ग्लूकोज को, स्टार्च को, जितना भी हो सके उसको तोड़े उसको। और ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि अगर प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जब आप स्ट्रक्चर इसका पढ़ोगे प्रोटीन का सबसे ज्यादा, उसे डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है, उससे बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ ट्रिप्सिन उसको और डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज, जो इमल्सिफाइड
लिपिड यहाँ पर था, उसके ऊपर ये लाइपेज वर्क करके उसके और फैटी एसिड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका एनाबोलिज प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये होता रहता है तो साथ में यहाँ पर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको विलाई कहते हैं। इसका क्या रोल है कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, जब हमारा डाइजेस्ट हो गया खाने में, जब भी ग्लूकोज एमिनो एसिड्स सुगर्स जो भी है हमारे फैटी एसिड्स वो हमारे ब्लड में आएंगे तभी तो हम उनका यूज करेंगे। वो उसके अंदर तो जितने हम लोग जो भी खाना खाएं सब यूजफुल तो है नहीं, उसके अंदर अनवांटेड भी हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस, तो जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको यहाँ पर विलाई एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में दे देता है और बॉडी पार्ट्स में वो भेजता है। अब जो यहाँ पर सारे यहाँ पर आ गया, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर वो सॉलिडिफाइड हो गया, क्यों, तो इनका वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स सारे एब्जॉर्ब हो गया और अब यहाँ पर सॉलिड फॉर्म बच गया। ये सॉलिड फॉर्म्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इस तरह से हमारे एनस से होते हुए निकल जाता है। तो बच्चों देख रहे ना, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस इसको समझना और अच्छे से दिमाग में इसको सिंपल वे में समझना ज्यादा जरूरी है। इसे तो हमारे इंपॉर्टेंट कहां से हो गया, चार एंजाइम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज पेप्सिन ट्रिप्सिन और लाइपेज। यहाँ याद ये रखना है कि पेप्सिन जो है वो एसिडिक, क्योंकि यहाँ एस सी एल का यहाँ सिक्रेशन होता है इसलिए एसिडिक एनवायरमेंट में काम करता है, और बाइल जो है वो अल्कलाइन होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को हम याद रख करके इसके प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये क्लास। थैंक यू।